तो ये जो मैं करा रहा हूँ ना, ये आपके एग्जाम को देख तो करा रहा हूँ, तो मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, मैं कराऊंगा ताकि जिसे आप अपना पेपर बेहतर तरीके से कर पाओ, ठीक है ना। तो देख लेते हो, सबसे पहले तो हम जो है ना कुछ फैक्टर्स निकालना सीखते हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालना, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स को हम हिंदी में तो बोलते हैं सार वर्णखंड बोलते हैं, जो भी बच्चे हिंदी में हैं वो सार वर्णखंड याद रखें, सार वर्णखंड बोलते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हिंदी का ही वर्ड याद रखना है, इंग्लिश का ही वर्ड रखना है, कॉमन फैक्टर। तो जो दोनों संख्याओं में जो कॉमन होगा उसे हम निकालेंगे, उसे कॉमन फैक्टर बोलेंगे, क्योंकि तो जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें ये आएगा, तो इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये 12x दिया हुआ है आपको, यहाँ पे 36 दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो इसको ब्रेक करेंगे, जिसको ब्रेक करना नहीं आता तो ब्रेक कैसे करेगा भाई, यहाँ पे 12 दिया हुआ है, इसको ऐसे ब्रेक कर सकता है, इसको ब्रेक करना नहीं आता इसको, ठीक है। तो कैसे, 2 3 12 हो सकता है, 2 3 जा और 3 1 जा 3, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, यहाँ लिखें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, यहाँ पर एक्स भी दिया हो तो यहाँ पर एक्स भी क्या आएगा, आ जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स नहीं होता, एक्स की स्क्वायर होता तो यहाँ पे एक्स गुणा में क्या आता, एक्स आ जाता। वाई का स्क्वायर होता तो वाई गुणा में वाई भी आ जाता। वो आपको देखना है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। अरे 36 है, अगर ब्रेक करना नहीं आता ऐसे ब्रेक करेंगे, 2 1 जै 2 2 8 16, ठीक है। 18 2 36, वो सोचो तो एलसीएम करना भी नहीं आता है, तो भाई देख ऐसे ही कर देख लेना भाई, 18 2 36 आ रहा है, मतलब इसको मल्टी करके ये वैल्यू आ रही है वाली, कुछ ऐसे ही देख लेना, ट्राई कर लेना है ना। तो 18 2 36 हो रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर 2 पर जाकर 2 9 जा, ये 3 पर, यह भी 3 पर, इसके कितना होगा, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये समझ आ गया। ऐसे हम निकाले कॉमन फैक्टर निकालेंगे, मतलब सार वर्णखंड, हिंदी वाला वर्ड मैं बार बार लिखूंगा नहीं, इसको बस ध्यान समझना, इसको हम सार वर्णखंड बोलते हैं। और कॉमन फैक्टर जो हम निकाल रहे हैं वो 12x का निकाल रहे हैं, 36 का निकाल रहे हैं, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर मतलब होता है दो जो कि दोनों में हो, ठीक है, दो जो वैल्यू हो दोनों में हो उसी को हम कॉमन फैक्टर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये 2 दिया हुआ है और यहाँ पे 2 दे रखा है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 2 ले लेंगे, फिर यहाँ पे ये 2 दिया हुआ, ये 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये 2 ले लेंगे, और 3 भी है यहाँ पर दोनों में, तो हम यहाँ पे 3 भी ले लेंगे। लेकिन अब ये 3 जो है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। फिर एक्स भी जो है दोनों दोनों में नंबर में नहीं है, ठीक है, तो ये भी लेंगे। इसको हम मल्टी करेंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 3 2 6 6 2 12, तो इसका जो कॉमन फैक्टर हुआ वो क्या हुआ, 12 हुआ, क्या हुआ, 12, ठीक। अब मान चलो कि मैं आपको यहाँ पर देता हूँ क्वेश्चन, 10 एम का स्क्वायर और एन का स्क्वायर, ये देते हैं 30 एम का स्क्वायर, एन का स्क्वायर और पी का स्क्वायर, इसको सोल्व करो, कॉमन फैक्टर निकालो एक बार, क्या कॉमन फैक्टर निकलेगा, निकालो क्या कॉमन फैक्टर निकलेगा, ये 10 एम का स्क्वायर एन का स्क्वायर दिया हुआ है, 30 एम स्क्वायर एन स्क्वायर पी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन अपने आप ही करने के लेंगे, वहाँ पहचानना समझना तुम्हें खुद होगा कि क्या करना कैसे है, और हो सकता है सेम डॉक्टर ना कुछ और थोड़ा चेंज करके दे दें, वो ध्यान तुम्हें रखना है। अब 10 को मैं फैक्टर कर लेता हूँ, इसको सॉल्व करना नहीं था भाई, मैं यहाँ पर 2 रखा मैंने, अब 2 रखा तो 10 कितने पर आएगा, 5 बार में आएगा ना, इसको नहीं करना आ रहा, ऐसी वैल्यू आया तो नहीं करना आता, वो ऐसे कर लें भाई, 5 को 2 से मिलेगा तो 10 आएगा, सेम यहाँ हो जाए 5 1 जाए 5 हो जाएगा, मतलब यहाँ लिखूँगा 2 गुणा में क्या लिखूँगा, 5, और एम के स्क्वायर को लिखेंगे यहाँ पर एम इंटू में एम, ठीक है। यहाँ पे एन के स्क्वायर लिखेंगे एन मल्टीप्लाई बाई एन लिखेंगे, सेम हम इसमें करेंगे अब, और 30 को फैक्टर कर लो भाई, ठीक है। हमें यहाँ 2 रखा, 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, लेकिन कितने बार में जाएगा, 15, 15 2 30 होता है, फिर 3 पे 3 5 जा 15, उसके बाद 5 1 जा क्या होगा, यहाँ पर 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 आएगा यहाँ पर, और एम का स्क्वायर लिखेंगे एम गुणा में एम, और एन का स्क्वायर लिखेंगे एन मल्टीप्लाई एन, और पी को लिखेंगे यहाँ पर पी गुणा में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम पी लिखेंगे, ठीक है। अब इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो दोनों कॉमन हो भाई, कॉमन फॉर्म में क्या है, 2 कॉमन है और क्या कॉमन है, ये 5 कॉमन है, 3 कॉमन है क्या दोनों में, नहीं है। अब ये एम जो दे रखा है ये भी कॉमन दे रखा है, तो यहाँ पर एम आ जाएगा, अब ये भी एम है तो ये भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर एम आ गया, सेम यहाँ पर एन दे रखा है तो एन भी कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, देखो है ना, अब यहाँ पर एन दिया हुआ तो ये आपका एन भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब पेपर में गोले बना के नहीं खाने, ये समझाने के लिए जो है गोले मैंने बना दिए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको क्या आ गया, अब पी का स्क्वायर क्यों नहीं है यहाँ पर, भाई पी यहाँ पी है ही दोनों में, तो दोनों में वैल्यू दे रखी है वो हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, ठीक है। अब 5 2 जा कितना होगा, 10 हो गया, गुणा में क्या आएगा, एम का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एन का स्क्वायर, सीधी सी बात है, 10 एम का स्क्वायर और एन का स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बस यहाँ दिया 16x² दिया है, इसको हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे भाई, 2 से ले लो भाई, 2 8 जा 16, फिर 2 पे जाएगा 2 4 जा, फिर 2 पे जाएगा 2 2 जा 4, एंड दिस इज 1, है ना। तो ये आपका कितने बार आ गया, 4 बार आ गया था, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई
टू, एक्स का स्क्वायर है तो ये लिखेंगे एक्स गुणा में क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्स लिखेंगे, यहाँ पर 32 दिया हुआ है तो भाई 16 2 32 होता है, मतलब इसमें दो एक्स्ट्रा और ऐड कर लेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा दो, ये 16 पे गया, फिर 8 पर, फिर यहाँ पर ये, फिर ऐसे, और ये पूरा हो गया, ये 5 टाइम्स पे आया थे ना, 2 into 2 and 2, और ठीक है मल्टीप्लाई भी आएगा, एक्स आएगा 3x, यहाँ पर एक ही दिया है ना। अब यहाँ दिया 48, तो भाई 48 को ब्रेक कर लो, ठीक है, 2 से कर लो, 2 दो 4 होता है और 2 से 8 होता है, 2 1 2 2 4 2 2 4 12 2 24, ठीक है, 2 पे जाएगा 6, 2 पे जाएगा फिर ये 3 आएगा, 3 पे जाएगा फिर जाएगा यहाँ पर 1 आएगा, तो ये आ गया 2 2 4 टाइम 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई क्या आएगा यहाँ पर 3 आएगा, एक्स मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर, क्या लिखेंगे यहाँ पर कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे तीनों में 2 है ना, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ तीनों में 2 है ना यहाँ पर, फिर 2 आ गया, तीनों में 2 है, ठीक है, देखो ये 2 आ गया, ये वाला भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया और ये भी 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये 2 और 3, अब 3 जो है, अब तीनों में तो है नहीं कॉमन ना, 2 ही 2 तीनों कॉमन है, अब इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको लेंगे नहीं, अब ये एक्स है देखो, ठीक है, बाकी के एक्स नहीं है तीनों में, मतलब कि कॉमन फैक्टर निकालना है 3 संख्याओं का, तो तीनों के अंदर वो वैल्यू कौन सी कॉमन होनी चाहिए, और तीनों में अगर वो वैल्यू नहीं है तो कॉमन वो नहीं होगी, है ना, तो यहाँ पे एक ही एक्स आ जाएगा। अब वैल्यू क्या 2 2 या हो जाए 4 और 4 2 8 8 2 16 मतलब 8 2 16 16 ही आ गया, ये एक्स आ गया, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या बनेगा 16x बनेगा, तो 3 नंबर वाले आएंगे वो ऐसे ही करेंगे, ठीक है, ये अपने आप ट्राई करना। करो ये ट्राई करो, तो 32 है, 16 है और 36 है ना, इसको हम फैक्टर करेंगे, तो 32 का फैक्टर कैसे करेंगे भाई, ये 32 दिया हुआ है ना, 200 तो फैक्टर हो सकता है ना, 16 2 32, जिसको नहीं आता ऐसे कर ले भाई, 2000 रखा 16 से चला जाएगा, जिसकी यूनिट प्लेस पे 2 4 6 8 0 आता है वो 2 से डिजिटल होता है, तो यहाँ पर 2 आ रहा है डिजिटल है, यहाँ 2 था, यहाँ 6 था, यहाँ 8 था डिजिटल था, 2 से जाना है चीज़ का, 16 2 32 16 2 32 2 से फिर गया 8 करेंगे जो होता है, तो हमने यहाँ पर निकाला नहीं था, ये वाला 2 2 2 2 ये आया था 5 बार आया था, ये ले लेते हैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 2, कितने बार है 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, तो यहाँ का एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, फिर वाई का स्क्वायर लिखा हुआ है वाई का स्क्वायर, तो वाई मल्टीप्लाई वाई, फिर यहाँ का जेड मल्टीप्लाई बाई जेड, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पे 16 xyz लिखा हुआ है, 16 का भी यहाँ फैक्टर हुआ है, देखो है नहीं फैक्टर यहाँ पर, तो करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ कहते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 भाई 2 है ना, कितनी बार 4 बार, तो यहाँ पे 2 को हमने 4 बार क्या लिख दिया मल्टीपल में लिख दिया हमने, फिर यहाँ एक्स वाई जेड है तो एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, फिर क्या आएगा जेड आएगा, इसके बाद 36 है, अब 36 को सोल्व करना पड़ेगा, इसको सोल्व कर लो भाई, कैसे करेंगे 36 2, अब 2 है तो यहाँ कितना हो चाहिए 18 18 36, ठीक है, 2 9 18 3 3 9 और 3 1 3 3 3, तो यहाँ आ जाएगा 2 × 2 3 × 3, फिर यहाँ आएगा x × x y × y और m × m क्या आएगा यहाँ पर m आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा कॉमन फैक्टर, जो हमें क्या निकालना कॉमन फैक्टर निकालना ना, कैसे निकालेंगे, अब इन तीनों में देखो 2 है ना कॉमन, तो हम क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, फिर देखो ये 2 सॉरी ये आ रहा 2 है ना, तो 2 फिर कॉमन आ जाएगा, क्या 2 फिर कॉमन है तीनों में, हाँ फिर 3 देखो तीनों में है, ठीक है, अब ये जो तीनों 2 रखे थी लेकिन यहाँ पर तीनों में 2 नहीं है ना, 3 तीनों में, तो 3 ना 3 कॉमन आएगा ना 2 कॉमन आएगा, अब क्या कॉमन आता है देखो एक्स ये रहा तीनों में है ना, तो यहाँ पे एक्स लगा देंगे, अब आप लोग ये लाइनें नहीं खींचोगे, ठीक है ना, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, ओके। अब ये एक्स हो गया, अब यहाँ एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ भी एक्स, लेकिन इसमें एक्स है ही नहीं, तो तीनों में अगर कॉमन होगा, तीनों में वैल्यू अगर आएगी सेम वैल्यू तो लेंगे, नहीं है तो फिर कैसे लेंगे, है ना,
तो यहाँ पे क्या वाई है, तो वाई ये रहा, वाई ये रहा, इनटू में क्या आएगा वाई। जेड भी है ना, जेड तो इसमें जेड है ही नहीं, नहीं। अब जेड नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ जेड लेंगे क्या, नहीं लेंगे। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ एक्स वाई जेड लिया है, यहाँ एक्स वाई जेड लिखा है, यहाँ पे एम का स्क्वायर लिखा हुआ है, सॉल्व करते हैं नहीं ना, समझते हैं चीज़ों को, और यहाँ पे लिखा है तो एम का स्क्वायर भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्या एम का, एम की वैल्यू क्या तीनों में है क्या, क्या जेड की वैल्यू क्या तीनों में है क्या, नहीं है ना, तो क्यों कॉमन होगा फिर, है ना, गल करके आए अपने, तभी नंबर कट जाते हैं। तो यह आएगा टू टू या फोर हो जाएगा, ये क्या जाएगा एक्स वाई, फोर एक्स वाई वैल्यू हो जाएगी, कोई दिक्कत, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।